से पामोकले जाने का। पामोकले डेनिसली शहर के बिल्कुल करीब वाक़ हैं और ये मैग्नीशियम के पॉन्ड्स हैं थर्मल वाटर के, ये बड़े फेमस हैं। और वैसे पामो मीन कॉटन और कले मीन किला, जो हम उर्दू में भी लफ्ज़ यूज़ करते हैं टर्किश का। तो 4 घंटे के करीब ये सफ़र है। 55 लीरा की इसकी टिकट है जो मैंने ले ली है। और 2 दिन हम यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर हम विज़िट करेंगे पामोकले का। इसके अलावा वहाँ पर एक रोमन थिएटर है और एक एंशियंट सिटी है, ग्रेवयार्ड है और छोटी सी एक लेक भी है। तो 2 दिन का ये प्लान है। अभी 12 बजे हैं, 1 बजे हमारी बस का टाइम है, तो टिकट लेके हम रुक गए हैं। तो मैं चेक कर रहा था इनका बस स्टेशन कैसा है। अंतालिया वाकई एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे हर चीज़ और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिलती हैं सहूलियात टूरिस्ट के लिए। हमारा ये तकरीबन 3.5-4 घंटे का सफ़र है। लास्ट ईयर भी मैंने किया था सर्दियों में और इस दफ़ा मैं कर रहा हूँ गर्मियों में, तो सफ़र है भी बहुत प्यारा। तो मैं आपको रास्ता भी इसका दिखाऊंगा कि कैसा है। तो चलें चलते हैं अल्लाह का नाम लेकर। अंतालिया में हमारा होटल क्लॉक टावर के करीब था और बस स्टेशन तक जाने के लिए हमने 50 टर्किश लीरा चार्जेस अदा किए हैं। बात ये कि जब आपने सफ़र करना है इंटरसिटी एक शहर से दूसरे शहर, तो आपने अपना जो आपका पासपोर्ट है उसे लेकर आपने दे देना है अपने होटल वाले को या अपने टूरिस्ट ऑपरेटर को। वो आपको QR कोड जनरेट करवा देगा। आपका QR जनरेट होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आपको सफ़र में थोड़ा मसला हो सकता है। तो हमने अपने होटल वाले को ही कह दिया था, क्योंकि कोरोना का सीन जब तक ऑन है तो ये QR कोड ज़रूरी है, वो आपका रिकॉर्ड उनके पास आ जाता है। आपको अपने पासपोर्ट की फ़र्स्ट पिक्चर चाहिए होती है और वहाँ से आपको कोड जनरेट होके आपको व्हाट्सअप कर देते हैं। हमारे पास थे ऑलरेडी और उसने चेक भी किए हैं, तो ये एक ज़रूरी बात है, वो आप ध्यान में रखिएगा। अंतालिया से 3-3.5 घंटे में डेनिसली पहुँचे और फिर वहीं से पामोकले की गाड़ी में बैठे, जिसने 25 मिनट में हमें पामोकले पहुँचा दिया। तो होटल में अपने पहुंच गया हूँ। डेनिसली से जब आप उतरते हैं बस स्टेशन पे, तो उसकी बेसमेंट में ही सारे अड्डे हैं उस इलाके के, तो किसी से भी पूछ सकते हैं आप। पामोकले की जो गाड़ी है वो लगी होती है वहाँ पे। 5 लीरे पर पर्सन किराया चार्ज होता है और 14 किलोमीटर दूर है ये, और बड़ी ही अच्छा सफ़र है, साफ़ सुथरा और ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। इस्तांबुल के रश से हम निकल आए हैं और अब हम पहुँच गए हैं जी डेनिसली में। ये अंतालिया से 3 घंटे लगते हैं यहाँ पर आने में, और यहाँ पे अब हम 2 दिन रहेंगे। हमने यहाँ पे जाना है जो जगह मैंने आपको बता दी है, और यहाँ पे बेसिकली अब हम रेस्ट करेंगे। इस्तांबुल और अंतालिया की जो थकावट है वो यहीं पे उतरेगी। 1 दिन आखिरी हमने यहाँ पे रखा है सिर्फ रेस्ट के लिए। इस्तांबुल की जो थी थकावट वो यहाँ पे इंशाल्लाह उतारेंगे, और 1 दिन हमने सिर्फ रेस्ट के लिए रखा है। वैसे मुझे पर्सनली ये इलाका बहुत पसंद है। मेरे पास 2 ऑप्शन थी, इज़मीर जाने की या पामोकले जाने की। तो मैं इज़मीर हालांकि गया भी नहीं, तो मैं पामोकले आ गया हूँ। यहाँ पे हमें कॉटन कैसल और हमें रोमन थिएटर जो था इज़मीर में भी था, यहाँ पे भी है, तो मैंने कहा चलो यहीं पे चलते हैं। अब्दुलरहमान भी ये देख लेगा, बाकी होटल उसे भी बहुत पसंद आया है। और ये पाकिस्तानी 5,000 रुपये का होटल है, मेलरोज़।
मतलब 5,000 रुपये में आपको, मैं आपको आपको कमरा भी दिखाता हूँ अपना, आपको दो लोगों का नाश्ता भी मिलता है और साथ आपको ऐसा होटल मिल जाए विद स्विमिंग पूल, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे अच्छी कोई डील होगी। तो अभी बस चेंज करना है और निज़ाम पे निकलते हैं और बहुत बहुत मज़ा आने वाला है, मेरे साथ रहिए। तो ऑर्डर में हमारे जो प्लेटर है इसमें चिप्स है, चिकन के साथ स्टिक्स हैं 4 छोटी छोटी, और एज यूजल मेरी फेवरेट हरी मिर्ची हैं, टमाटर साथ में प्याज, लेकिन हमने इसके अलावा भी और पिलाफ भी है, थोड़े से चावल हैं, साथ ब्रेड भी दी हुई है उन्होंने, साथ मैंने एक्स्ट्रा सैलड का दिया है ऑर्डर। सैलड में आप देख सकते हैं टमाटो है, खीरे हैं, गाजरें हैं, टमाटर हैं और लीमू है। तो जितनी भूख लगी हुई थी अभी उसके साथ इंसाफ होने लगा। सुबह नाश्ता करके निकले थे और 4.5 किलोमीटर पैदल चले हैं, तो भूख भी इंतहा की लग गई थी। अगर आप मिर्च मसाले के बगैर नहीं ना रह सकते तो एक चिली केचप अपने साथ रखें, मैं खैर खा लेता हूँ इसलिए कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने ब्रेड भी दी है साथ, ये 4-6 स्टिक है चिकन की, और साथ चावल भी दिए हैं, आप दोनों चीज़ों के साथ खा सकते हैं। बिस्मिल्लाह। एक लुकमा इसके साथ भी ट्राई करते हैं। आप टटकियाँ हैं ना तो आप सैलड बहुत ज़्यादा खाएं, सैलड बहुत अच्छा बनाते हैं ये लोग। अभी ये है थोड़ा महंगा, एक्सपेंसिव है, 20 लीरे की डी है, इस्तेमाल से आपको 10-12 में भी मिल जाता है, क्योंकि इस वक्त हम दूर आए हुए हैं तो थोड़ा सा रेट का फ़र्क होता है, लेकिन बहुत मज़े का होता है। आज का जो प्लान है वो बड़ा ज़बरदस्त है, आज बड़ी डिफरेंट लोकेशन हमने देखनी है, और तुसी तो चुप कर जाओ। और ये हमारी गाड़ी आ गई हमें होटल से पिक करने, यहाँ से हमने गाइडी टूर लिया है, गाइड साथ हो तो आपको जो एंशियंट रेलिक्स हैं, जो एंशियंट सिटी है और जो रेलिक्स हैं उनके बारे में ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। वैसे यहाँ से करीब ही है, 1-1.5 किलोमीटर पैदल भी बंदा जा सकता है। गाड़ी ने हमें होटल से सब लोगों को पिक कर लिया, और कुछ लोग दूसरी सिटी से आ रहे हैं तो उन्होंने नाश्ता नहीं किया हुआ, वो 3-3 घंटे का ट्रैवल करके आए हैं। अभी सुबह के 11 बजे हैं तो हम तो रुके ही पामो किले में हैं, इसलिए हमने तो नाश्ता कर लिया था। तो जो फतेह से और एक और शहर है वहाँ से आ रहे हैं वो लोग नाश्ता कर रहे हैं, हम अपने स्पॉट पर पहुँच गए हैं और यहीं से हमारा ट्रिप स्टार्ट होगा। दूसरा ये है कि यहाँ पे 3 से 4 स्पॉट हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, एंशियंट सिटी से ये स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हमें हेरापोलिस लेके जाएंगे ये, एंड देन फिर हम पामो के लेके पॉइंट्स देखेंगे, मैग्नीशियम पॉइंट जो हैं फिर हमारे पीछे हैं, बड़े डिफरेंट से हैं और वन ऑफ अ काइंड है, आपको बहुत ज़्यादा इनकी वैरायटी हर जगह शायद नज़र ना है, ये बहुत डिफरेंट तरह के पहाड़ हैं जहाँ पर बड़ा मज़ा आएगा। और क्लोपेट्रा का पोल, हाँ जी, वहाँ पर चलते हैं। तो अभी ये लोग जैसे नाश्ता करते हैं तो हमारा सफ़र स्टार्ट हो जाएगा। अभी गाड़ी पे हम 4 किलोमीटर ऊपर बेस पे पहुंच गए हैं जहाँ से हमारा ट्रिप स्टार्ट होगा। हेरापोलिस के आगे हम खड़े हुए हैं और गाइड हमारे हमें गाइड कर रहे हैं कि भाई ये आज का निज़ाम। वन ऑफ देम इज गॉट डिस्ट्रैक्टेड। गाइड हमें आज का प्लान बता रहा है।
लेकिन मुझे कॉटन कैसल जाने की बहुत जल्दी है। आप ये जो मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हैं, इनके ऊपर जब बारिश होती थी तो वाटर रिएक्ट करता था सॉइल के साथ। सॉइल यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट है, तो उस रिएक्शन के नतीजे में उसके अंदर से उस जो बनता था, जो भी उनका अमेजा मुरक्कब बनता था, उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव हो जाती थी और पीछे सिर्फ रह जाता था कैल्शियम कार्बोनेट, चूना रह जाता था पीछे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चूना है, आप लगा भी सकते हैं, किसी को आपको भी लग सकता है। तो वाइट टेरेसीज आने वाले हैं, थर्मल पौंड है, जो थर्मल वाटर पौंड है, इनको कॉटन कैसल इस एरिए को इनकी वजह से कहते हैं। कॉटन मीन रुई और कले मीन किला, उर्दू में जो वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये रुई का किला है। तो हम भी एंट्री मारते हैं, नहाने का सीन नहीं है, पानी ये गर्म है, थर्मल वाटर है, तो लोग जिस वक्त नहा रहे होते हैं उस वक्त गीले भी पसीना भी उनको आ रहा होता है, तो एक्सपीरियंस देखते हैं उनका कैसा है। यहाँ पे जेंट्स के लिए रूल है जी कि वो थोड़ी लॉन्ग निकर पहनेंगे, और ख़वातीन के लिए कोई रूल नहीं है, लेकिन कपड़े वो पहनेंगे। तो यहाँ पे सारे कोई तैयारी कर रहे हैं लोग निकलने की, और मास्क की यहाँ पे आवाज़ें लग रही हैं। बकवास रूल है ये, लोग यहाँ पे एक पूल में 12-12 लोग घुसे हुए हैं, तो नहा रहे हैं, उनका कोई सीन नहीं है, वहाँ पे कोरोना जो है वो काम नहीं करेगा। थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पे चलना, जहाँ पे पाउडर है वहाँ पे थोड़ा फिसलन है, लेकिन वैसे ओवरऑल ठीक है, इतना डेंजरस नहीं है। तो पानी बहुत मजे का यार, उतर ही जा रहे हैं। ये फॉरनर इस चीज़ पर बड़ा बिलीव करते हैं कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जिस्म के लिए, स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है, तो ये इसको अपने जिस्म पर मल रहे हैं और फिर पानी में बैठ जाते हैं। अच्छा, हम लोग तो यहाँ पे आके इजी है, गोरा थोड़ा सा हो गया एक्साइटेड, बल्कि कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, डिफरेंट जगह है वैसे, और यहाँ पर आपको तस्वीरें बड़ी अच्छी आती हैं आपकी। ये तकरीबन 1 किलोमीटर का इन्होंने पाथवे बनाया हुआ है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर पानी को रोक के, थोड़ा पानी है, 1.5 से 2 फुट का पानी है, आप इसमें मतलब उस तरह से स्विमिंग नहीं कर सकते, आप यहाँ पे जस्ट बैठ के बैठ सकते हैं पानी में, और अकॉर्डिंग टू देम कैल्शियम कार्बोनेट वाला पानी है, तो आपके जिस्म को ये हील भी करता है। तो ये देखें, हीलिंग चल रही है, और थोड़ी सी मैं भी ना करा लूँगा। सामने पामोकले विलेज है और पीछे वाले पहाड़ डिनीजली शहर के हैं, जो यहाँ से तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर दूर हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ अब्दुलरहमान साहब, जी मैंने एक चीज़ नोट की है, बच्चे अंग्रेज़ों के भी बहुत ही रोते हैं। बच्चे सारे रोते हैं, हर तरफ वाजे बाज रहे हैं, वाह वाह। मेरा ख्याल तो शायद हमारे बच्चे ज़्यादा रोते हैं, लेकिन इनके बच्चे भी हर तरफ रो रहे हैं। हाँ, सुकून हो गया कि साहब बराबर है, तो जो हम अपने बच्चों को बुरा भला कहते थे वो वापस। पामोकले में हॉट एयर बलून और पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटी भी की जाती है। हॉट एयर बलून का पैकेज 100 यूरो से स्टार्ट होता है। डेनिजली के एरिया में हर तरफ अनारों के बाग हैं, और ये लोग छिलके समेत इसका जूस निकाल के पीते हैं, और यही तरीका ज़्यादा हेल्दी भी होता है। जी, अस्सलाम वालेकुम।
तो आज हम पहुंच गए हैं यहाँ पे बस राइड के बाद। आज हमने करना है नेक्रोपोलिस और रोमन थिएटर। सबसे एक्साइटिंग जगह यह काफ़ी एंशियंट टाइम की है। हेरापोलिस का जो हमारा टूर था आज वो ख़त्म हो जाएगा, और आज जैसे कि अब्दुल्मान बता रहे हैं हमने ये दो जगह करनी है, और उसके बाद हमने भाईजान तीसरी खाना खाना है, और उसके बाद स्विमिंग भी करनी है अपने होटल में जाके। तो ये आज के चार सेगमेंट हैं हमारे साथ रहिए। स्टार्ट हम ले रहे हैं रोमन थिएटर से। रोमन थिएटर पे हम लोग आ गए हैं जी। ये बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही जबरदस्त इसका माहौल है, बड़ा निजाम बेहतरीन हो गया। ये बेसिकली ग्लैडिएटर्स का फाइटिंग एरिना नहीं है, ये थिएटर था, और इसकी आर्किटेक्चर और इसका जो है इतना ज़बरदस्त बनाया गया है। इसकी जो इंजीनियरिंग है, यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग इतनी ज़बरदस्त होती है कि हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो नीचे तक जा रही हैं, और नीचे जो लोग बातें कर रहे हैं वो ऊपर तक आ रही हैं। लिहाजा यहाँ पे अब जब आप आएँ तो ध्यान से बातें करें। वैसे एक एच भी है, आप जो मर्जी बातें करते रहें, यहाँ पे कौन सी किसी को समझ लगती है। हाँ, अगर कोई आपका कोई इंडियन पाकिस्तानी दोस्त निकला है फिर एक मसला बन सकता है आप सब लोगों के लिए। तो ये मेरा ख्याल है 10,000 के करीब कैपेसिटी है यहाँ पे लोगों की बैठने की, और हाउस फुल है इस वक्त क्योंकि एक बड़ा ही सुपर हिट ड्रामा यहाँ पे लगने वाला है। ये देखें हाउस फुल है, नीचे तक खचाखच खाली है। रोमन थिएटर में इस वक्त हम खड़े हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ ड्रामे नहीं होते थे, ड्रामेबाजियाँ भी होती थी, और ड्रामेबाजी से मुराद है कि ये यहाँ पे फाइट्स भी होती थी। पहले मेरा ख्याल था कि इस रोमन थिएटर का नाम है तो शायद यहाँ पे सिर्फ ड्रामे होते हों, लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ पे ग्लैडिएटर फाइट्स भी होती थी। सेंटर वाला जो आप देख रहे हैं दरवाज़ा, यहाँ से जानवर और जो बब्बर शेर होते थे वो भी आया करते थे, और डिफरेंट किस्म के ग्लैडिएटर्स भी आते थे। इस थिएटर के पीछे ग्लैडिएटर्स की कब्रें भी हैं जो इसी फाइट में यहाँ पे जो फारिग हो जाते थे, यहाँ पे जो फाइट के दौरान मर जाते थे तो उनको वहीं पे पीछे दफनाया गया। इनके तीन बड़े फेमस ग्लैडिएटर्स थे, उनके बड़े मुश्किल से नाम थे, तीनों की उन्होंने हमें कब्रें दिखाई हैं। बेसिकली यहाँ पे कोई 20,000 के करीब बंदा बैठ सकता है, ठीक है, लेकिन जो रोमन है ना वो बैठते नहीं थे, वो लेटते थे यहाँ पे, मतलब लेट के देखते थे इस तरह से करके, साथ उनके गुलाम उनको अंगूर खिलाते थे। तो इस वजह से ये 18,000 की कैपेसिटी 9,000 से 10,000 में रह जाती थी। तो यहाँ पे एक जो मैं आपको बात बताऊँ जो डिफरेंट लग रही है मुझे, ये टेक्निकली और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा बनाया गया है कि मैं जो बातें कर रहा हूँ वो इस पूरे थिएटर में हर बंदा सुन सकता है। आप अगर कोई हल्की सी भी बात करेंगे, कोई यहाँ पे एयर पैसेज ऐसा बनाया हुआ है इंजीनियर्स ने उस वक्त के कि आपकी आवाज़ हर तरफ जा रही है। सामने VIPs बैठा करते थे, और आपको जितनी महंगी टिकट लेंगे तो आपको करीब की सीट मिलेगी, और यही अगर आपने सस्ती टिकट लिया तो आपको दूर का व्यू मिलेगा। तो ये रूल अभी तक चल रहा है। बाकी कंस्ट्रक्शन आपके सामने है, और ग्रीक लैंग्वेज अभी भी इन पत्थरों पे लिखी हुई है। मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे उस ज़माने में जो इंजीनियर्स थे वो कितने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने इसका स्ट्रक्चर और इसकी शेप ऐसी रखी हुई है कि आपकी जो आवाज़ है, क्योंकि स्पीकर हेडफोन तो तब होते नहीं थे लाउड स्पीकर, तो आप जो परफॉर्म कर रहे हैं स्टेज के ऊपर एक्टिविटी, उसकी आवाज़ ऊपर तक जा रही है। अभी आप देख रहे हैं ये जो पीछे टॉप है वो ऊपर, वहाँ पर एक बंदा फ़ोन पर बात कर रहा है और उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है,
किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा है, लेकिन कमाल है यार, ये चीज़ माइंड ब्लोइंग है, समझ से बाहर है। अच्छा, ये थिएटर मल्टीपर्पज़ था, ये इसका ये सिर्फ थिएटर नहीं था, यहाँ पे कैंडल लाइट डिनर भी हुआ करते थे रात के वक्त जब चांद निकलता था। कुलपैत्रा के स्विमिंग पूल के ऊपर मैं खड़ा हूँ इस वक्त, ब्रिज पे, पानी में नहीं। तो यहाँ पे कुलपैत्रा जो तारीखी खूबसूरत तरीन खातून मानी जाती है, वो अपनी ब्यूटी को कायम रखने के लिए इस पानी में नहाया करती थी। और इस वक्त ये जो जितने भी इसमें लोग नहा रहे हैं वो इसी सेंस से नहा रहे हैं कि वो यंग रहेंगे, खूबसूरत रहेंगे, और बुढ़ापा जो है वो ज़रा उनका ख़त्म होगा। और ये काफ़ी पुराना पूल है, यहाँ पे पानी का जो जायका है वो भी थोड़ा डिफरेंट है। कुछ लोग इसको बाहर एक नलका लगा हुआ है, वहाँ से पानी पी भी लेते हैं हीलिंग के लिए। The water is bubbling, yeah, right? You can understand that it is spring water coming from the soil. Okay. Coming out from the soil. Yes. It is not the degree of pain for luck, but don't do it. Instead, go and buy water for yourself. Okay. And yes, I'm not sure, like, you know. Yeah, I think it's obvious. आप मेरे पीछे ये जो कुकड़ देख रहे हैं, डेनिजली में ये कुकड़ पाए जाते हैं, और ये दुनिया के बड़े तरीन मुर्गे हैं। ये तो खैर इसका स्टेचू है, और ये 20 सेकंड तक बगैर सांस रोके अपना राग अलाप सकते हैं, और ये बड़े फेमस हैं। और इनको देख के मुझे तो सिर्फ बट कढ़ाई का ख्याल आ रहा है कि इनकी अगर बंदा बट कढ़ाई बनाए तो की मज़े आ। ये हेरापोलिस का म्यूज़ियम है, यहाँ पे अंदर जाने की एक्स्ट्रा टिकट है 60 लीरा, लिहाजा कोई ज़रूरत नहीं अंदर जाने दी, अगे चलने हैं। खुदाई के वक्त जो मूर्तियाँ, जो बर्तन, जो चीज़ें मिली थी यहाँ पर, सारी उन्होंने वो रखी हुई हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा टिकट लगाई हुई है। हेरापोलिस का विज़िट पे हम आए हैं। हेरापोलिस एक एंशियंट सिटी थी, 1800 साल पहले की जो तारीख है, उससे पहले की भी तारीख मौजूद है, लेकिन यहाँ पे जो रेमनेंट्स हैं, रेलिक्स हैं, वो हैं 1800 साल पुराने। हेरापोलिस के लेके दो तरह की बातें चलती हैं जो हमें पता चलती हैं कि जी, एक जो सिकंदर आजम के, अलेक्जेंडर द ग्रेट के चार सक्सेसर थे जिन्होंने एनाटोलिया रीजन को आबाद किया, डिवेलप किया, उसमें से एक था बंदा, उसने हेरापोलिस को आबाद किया। और दूसरी बात हमें यह सुनने को मिलती है कि जो अमेज़ॉन की मदर थी उसका नाम था हेरापोलिस, तो उसने ये सिटी आबाद की, तो उसी के नाम पे इसको हेरापोलिस कहते हैं। तो आज हम यहाँ पे आए हैं, हम विज़िट करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी साइट्स हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस हैं, और हम देखेंगे इस हिस्ट्री के बारे में। और रोमन थिएटर सबसे बड़ी यहाँ पे अट्रैक्शन मुझे लग रही है, हम वहाँ पर जाएंगे। ये शहर का सबसे मेन एंट्रेंस थी नॉर्थ साइड से, ये बाज़ार था, और बाहर इसके सिटिंग एरिया भी बना हुआ है। कुछ वो लोग जो अजनबी थे, जिनका कोई रेफरेंस अंदर नहीं होता था, या अपनी शिनाख्त करवाने के लिए अंदर मैसेंजर भेजा जाता था, तो वो बाहर बैठते थे इन सीटों पे, और यहीं से बाज़ार स्टार्ट हो जाता था। तो हम भी अंदर चलते हैं, देखते हैं। ये रोमन सिटी का बड़ा ही ज़बरदस्त ऑब्जेक्ट है। ये जिस सड़क से हम गुज़र रहे हैं, 1700 साल पहले जो हेरापोलिस सिटी थी, ये एक मेगा सिटी थी, और ये इसका बाज़ार था। यहाँ पे राइट लेफ्ट जो आप मेरे साथ पिलर्स देख रहे हैं, ये शॉप्स थी डिफरेंट किस्म की, और मेन गेट मैंने आपको दिखाया है, और इसके पीछे, इन दुकानों के पीछे भी एक पूरा प्लेग्राउंड था। यहाँ से वो नज़र आ रहे हैं, उनके पिलर नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर लोग शाम को इकट्ठे भी हो जाया करते थे। और कब्रों का यहाँ पे ये सीन था, अगर कोई बड़ा अमीर आदमी है तो उसकी जो कब्र है वो इस बाज़ार के करीब ही राइट लेफ़्ट कहीं पे होती थी, और अगर आप उतने अफोर्डेबल नहीं हैं आपके लिए, तो आपकी कब्र शहर से थोड़ी दूर बनाई जाती थी। तो ये सारे जो रेमनेंट्स हैं शहर के, बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए गए हैं, यहाँ पर बोर्ड्स भी लगे हुए हैं कि आप उनको पढ़ के सारी डिटेल भी ले सकते हैं। और यहाँ पर
एंशियंट ग्रीक जो लैंग्वेज है उसकी इंक्रिप्शन भी है पत्थरों के ऊपर। जो लोग बाहर के शहरों से आते थे सबसे पहले उनको यहाँ पे नहलाया जाता था और तसल्ली की जाती थी कि ये जो आने वाले हैं ये लोग साफ हैं और ये कोई पेंडेमिक अपने साथ लेके तो नहीं आ रहे, क्योंकि उस ज़माने में वबाई मर्ज़ की जो थी इशू वो उसको उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते थे, तो उसका हाल उन्होंने यही निकाला हुआ था। रैपलस में एंट्री के वक्त इनको नहला दिया जाता था, ये समझ लें कि उनके डिसइंफेक्टेड गेट थे जो जहाँ पर उनको डिसइंफेक्ट किया जाता था। ये आप जो जो टनल सी देख रहे हैं छोटी सी ये नाली सी, ये इनकी है जी ऑलिव ऑयल बनाने की फैक्ट्री, यहाँ से ऑलिव्स गुजरते थे और वो उसको क्रश करते थे, ठीक है। साथ में छोटी ट्यूब्स थी जहाँ से जूस सारा इस तालाब में इकट्ठा हो जाता था। तो ये जो सारा सेटअप देख रहे हैं ये ऑलिव ऑयल का सेटअप है। एक डिसअपॉइंटमेंट है खाने को लेके कि आपको 20 से 22 लीरे का एक बजट दिया गया जिसके अंदर आपने खाना है। तो पहली तो आइटम है ये शोरबा जो इनका होता है, साथ ब्रेड और साथ में वो कह रहे हैं कि आपको एक लहमचून मिलेगा, और ये दो चीज़ें हुआ है जो हम खाने के साथ एडिशनल मंगवाते हैं। तो कोई मेन कोर्स हमारे लिए तो कोई नहीं बचा, तो हो सकता है हम ये खाने के बाद अपना खाना दोबारा खाएँ। और ऊपर से इन्होंने अपना रिस्ट्रिक्टेड क्यों किया है मेन्यू, ये तो आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए। हमने टर्की में 3-4 ट्रिप ली हैं अभी तक, तो आपकी अपनी चॉइस होती है, आप खुद रिस्ट्रिक्ट नहीं करते उनको। तो मैं उनसे बात भी करता हूँ कि भाई सैर तो थोड़ी करा देनी थी, खैर रोटी जैसे नहीं करना कॉम्प्रोमाइज। मैंने अपने इस टर्की ट्रिप में ये पहली दफ़ा खाया, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। इसमें जैसे कि मैंने बताया इसमें इन्होंने साबुत धनिया भी लगाया हुआ है, कुछ वेजिटेबल्स हैं और कीमे के साथ मिक्स करके, और जो बेस है उसकी टमाटो पेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ है। और ये भी हमारा ऑर्डर पूरा नहीं हुआ, हमने अपने 2 चिकन प्लेटर बस इनको कहे थे, जो पैकेज में था वो ये चीज़ें शामिल थी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है ये तो हमारी साइड आइटम्स होती हैं, खाना तो भी हमने खाना है, तो उसका हम एक्स्ट्रा पे करते हैं। मीट बॉल जो हैं वो हमारे आए हैं स्टेक की शक्ल में, इसके साथ हम थोड़े से चावल लगा के खाते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा मीट बॉल जो बहुत मज़ेदार बनाते हैं, अभी तक जहाँ से भी खाए हैं बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। टर्किश कबाब तो फेमस हैं लेकिन मीट बॉल भी फेमस आइटम है। अच्छा हमें इनकी क्वांटिटी भी थोड़ी लगती है क्योंकि हमें ज़्यादा खाने की आदत है ना, हम लोग फिर ये करते हैं कि दो लोग हों तो 3 आइटम मंगवा लेते हैं, तो उससे कुछ हिसाब निकल जाता है। अगली बारी है जी चिकन पाव की, ये भी उसी तरह के शास्त्री स्टिक्स हैं, साथ चावल है और प्याज हैं बड़े ही ज़बरदस्त कटे हुए, टमाटो और लस्सी इनकी बटर मिल्क टाइप, बड़ा मज़ा आता है। होटल में हम पहुंच गए अपने, आज का दिन भी बड़ा ज़बरदस्त रहा, हमें रोमन थिएटर सबसे मज़ेदार जगह लगी है। खाना खाया और जैसे ही आप वहाँ से नीचे उतरते हैं तो नीचे छोटी सी झील बनी हुई है बहुत ही प्यारी, उसके सामने रेस्टोरेंट है, तो वहाँ से हमने खाना खाया और कुछ देर वहाँ पे बैठे रहे हैं, वहाँ पे फैमिली के लिए बड़ी अच्छी जगह है। फिर अभी हम होटल में पहुँचे हैं, नहाने का प्लान था लेकिन क्योंकि खाना बहुत खाया हुआ तो इस वक्त नहाना मेरा ख्याल है इतना बेहतर नहीं है,
तो बस आज का एपिसोड यहीं पर रैप अप होता है। होटल पहुंच गए हैं और कल हमारी फ़्लाइट है इस्तांबुल की दोबारा। तुर्की वाले सारे अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा इंसाफ करते हैं, ये मैंने चीज़ देखी है। हमारा टूरिज्म रिलेटेड जितने भी लोगों से वास्ता पड़ा है, सबके सब अपने काम के साथ बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हैं और आपको मैक्सिमम फैसिलिटेशन करते हैं। और वो ये जानते हैं कि अगर वो क्वालिटी से ही कम्पीट कर सकते हैं चीज़ों को, और यहाँ पर कोई बंदा दूसरा ओछा हथकंडा नहीं लगाता आपकी बुकिंग लेने के लिए, वो अपनी क्वालिटी से ही और अपनी सर्विस से ही आपको इम्प्रेस करते हैं। तो ये बहुत बड़ी जो चेंज है पाकिस्तान में नहीं है, सर्विस नाम की तो कोई चीज़ नहीं है ना नॉर्थ में हमारे। तो भाई हम लोगों को भी ऐसी ही सर्विस देनी है, हम बहुत बहुत खुश होकर जा रहे हैं। इस होटल में मैं पिछले साल भी आया था और यही सर्विस लेवल होता है कि मैं अब दोबारा इसी होटल में वापस आया हूँ। तो हमें भी अपने सर्विस लेवल पर और अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा इंसाफ करना है। तो आप मुझे बताइएगा पामों के लिए कि जितनी लोकेशन मैंने आपको दिखाई हैं सबसे ज़्यादा आपको अच्छी कौन सी लोकेशन लगी। वैसे मुझे कॉटन कैसल और रोमन थिएटर बहुत पसंद आया। बाकी आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर आप जानना चाहते हैं टैक्सिन स्क्वायर की तारीख और देखना चाहते हैं इस्तकलाल एवेन्यू की रौनकें तो यहाँ क्लिक करें। और अगर 600 साल तक कायम रहने वाली सल्तनत उस्मानिया का पहला महल देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।